आपने मैंने जो आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, आपने मेरे पहले वीडियोस पूरे देख लिए होंगे, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यदि नहीं देखे हैं तो आज ही देखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ सकते हैं। ये मैंने टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है क्योंकि एग्जाम में आंसर्स किस तरह से लिखने रहते हैं, टेक्निक क्या होती है, आपको किस तरह से मार्क्स बहुत हाई स्कोर करने हैं, तो इसके लिए आपको करेक्ट टेक्निक, करेक्ट कीवर्ड्स आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको विद सॉल्यूशंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज जो चैप्टर मैं आपके लिए कवर करने जा रही हूँ, हमारे साइंस का लास्ट चैप्टर है जिसको मैंने बायो सेक्शन में कवर किया है। हमारे चैप्टर का नाम है आर एनवायरमेंट। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये चैप्टर इजी है तो इसे लास्ट में ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये चैप्टर पे बहुत मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। जिन्होंने पूरे साल बहुत अच्छी तैयारी की है वो तो अच्छा कर ही सकते हैं एग्जैक्ट आंसर की टेक्निक लिखके, लेकिन जिनकी किसी वजह से तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। आप मेरे दिए आंसर्स की हेल्प से इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। सीबीएसई ने इसके लिए बहुत ज्यादा मार्क्स अलॉट किए। तो हम देख लेते हैं इस आर एनवायरमेंट, इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन में आज जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रही हूँ, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, थर्ड पार्ट हम करेंगे जिसमें से भी एक क्वेश्चन 100% श्योर है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट, हम इसके बारे में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। लास्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। पार्ट ए के अंदर आज मैं आपके लिए ये सब कवर करूंगी। पार्ट टू हम जो हमारी नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें मैं आपको फूड चेन, फूड वेब, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रॉफिक लेवल एंड 10% लॉ उसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए आर एनवायरमेंट के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इजीली टेस्ट सीरीज के सभी लेसन के आंसर्स मिलते रहे और आप इजीली एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन वन है, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज ओजोन, हाउ इज ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर, व्हाट कॉजेस इट्स डैमेज और हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। पहले मैं सिंपल इसमें आपको ओजोन के बारे में बता देती हूँ। ओजोन जो है बेसिकली इट इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन का जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो इसका केमिकल फॉर्मूला है O3। ये अपर एटमॉस्फेयर में हम रिएक्शन देखते हैं। अपर एटमॉस्फेयर में आप देख रहे हो सन के पास ट्रोपोस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो है सन की यूवी लाइट रेज को एब्सॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन एटम के अंदर डिवाइड हो जाता है। आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन एटम, ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है और हमारा O3 ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ओजोन मॉलिक्यूल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ओजोन जो है इस तरह के O3 मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में बनते रहते हैं और ये सन की अल्ट्रावायलेट रेज को एब्सॉर्ब करते हैं और पूरे अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का ब्लैंकेट बन जाता है। ओजोन बहुत एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है, बट इसका जो ब्लैंकेट है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि ये यूवी रेज, सन की यूवी रेज, जैसे हमें पता है ये सन की यूवी रेज बहुत हार्मफुल है, तो ये सन की पूरी यूवी रेज को ऊपर ही अपर एटमॉस्फेयर में एब्सॉर्ब कर ले। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको बताया है इट इज फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज O3, इट इज अ डेडली पॉइजनस एंड हाईली टॉक्सिक गैस। मैंने आपको रिएक्शन ऑलरेडी बता दी है, एक बार हम फिर से क्विक रिविजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन अपर एटमॉस्फेयर में यूवी रेज को एब्सॉर्ब करके दो ऑक्सीजन एटम में डिवाइड हो जाता है
ऑक्सीजन आटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल से वापस रिएक्ट करते हैं और O3 ओजोन बनाते हैं। अब हम इसका आगे बढ़ते हैं, हमने देखा जैसे ये लेयर कैसे फॉर्म होती है, ये हमने देख ली। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं। ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन ऑफ द सन। मैंने पहले ही आपको बताया है अपर एटमोसफियर में एक पूरा पूरा शील्ड, पूरा का पूरा ब्लैंकेट बन जाता है जो यूवी रेस को एब्सॉर्ब कर देता है। आगे आप देखोगे बी पार्ट देखते हैं। सर्टन हार्मफुल केमिकल्स सच एज CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिलीज इन टू एयर। दीज एक्यूमुलेट इन द अपर एटमोसफियर एंड रिएक्ट विथ ओजोन रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ द ओजोन लेयर बाय फॉर्मिंग अ होल। कि हम देखते हैं कि अब आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, आप देखते हैं हम सुनते आ रहे हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। तो इसका रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन में जो यूज करते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ऊपर रिलीज हो ऊपर चला जाता है एटमोसफियर में चला जाता है और अपर एटमोसफियर में ओजोन से जाके रिएक्ट कर लेता है। तो ये ओजोन से कंटिन्यूसली रिएक्ट करता रहता है और ओजोन को वहां से खत्म करता है। इससे ओजोन होल होने के चांसेस है और जो ओजोन लेयर है हमारी वो थिन थिन होते जा रही है। आगे देखते हैं ओजोन लेयर बिकम्स थिनर एंड गेट्स डिप्लीटेड एंड अलाउिंग मोर यूवी रेस टू पास थ्रू द अर्थ एटमोसफियर। दीज रेडिएशन आर डेंजरस, दे कॉज स्किन कैंसर, डैमेज टू आई, कॉज ऑफ कैटरेक्ट, डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। जैसे मैंने आपको बोला कि ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट होते जा रही है। ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्या होगा और बेसिक एग्जाम में आ सकता है, जो बेसिक केमिकल है ओजोन लेयर डिप्लीशन का है वो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन केमिकल है जो ओजोन लेयर को ओजोन होल या ओजोन लेयर डिप्लीशन का के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ओजोन लेयर इसी तरह हम यदि CFCs का यूज करते रहे तो क्या होगा, ओजोन लेयर थिन होती जाएगी और सन की जो डायरेक्ट यूवी रेज है वो हमारे अर्थ के ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होंगी, स्किन कैंसर के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आई को डैमेज कर सकती है, कैटरक का रेशियो बहुत इंक्रीज हो जाएगा और इसके अलावा ये एनिमल्स एंड ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को बहुत वीक बना देगा। तो ये मैंने आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है कवर किया है, व्हाट इज ओजोन लेयर, व्हाट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन टू है ओजोन लेयर से रिलेटेड, तीन क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, इन्हीं में से आपके लिए एग्जाम के में आएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, राइट द एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, नेम द सिंथेटिक केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉप ऑफ अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। ऑलमोस्ट इसका आंसर मिलता जुलता है, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको कवर करा दिया था कि ओजोन लेयर क्या है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, ओजोन कैसे बनता है और ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है और इससे क्या हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, जो डैमेज होगा, डैमेज टू द ओजोन लेयर इज अ कॉज फॉर कंसर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न है और हम देख रहे हैं गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत एक्शंस ले रही है बिकॉज इट शील्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन विच कॉजेस स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, वीकन द इम्यून सिस्टम। ये मैं आपको पहले ही कवर कर चुकी हूँ। इसके लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इट इज अ हार्मफुल सिंथेटिक केमिकल विच इज एक्यूमुलेट इन द अपर एटमोसफियर एंड रिएक्ट विद ओजोन, दस ओजोन लेयर बिकम्स थिनर। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके इस तरह से भी आता है, लेकिन हमें जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें लास्ट जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। गवर्नमेंट या पूरे वर्ल्ड में ओजोन लेयर डिप्लीशन सिर्फ इंडिया के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड का ये कंसर्न है। तो इसके लिए
गवर्नमेंट ने, हर कंट्री की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे हम ओजोन सीएफसीएस का हम जितना कम से कम इसका यूज कर सके और ओजोन लेयर डिप्लीशन कम होने में हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। हम इसको देखते हैं, गवर्नमेंट ने जो टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। मेनी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव साइंड एंड ओबेइंग द डायरेक्शन ऑफ यूएनईपी। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, यूएनईपी है हमारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। पूरे वर्ल्ड की जितने भी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री है, इन्होंने ये जो यूएनईपी के डायरेक्शन में एक साइन किया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू लिमिट द प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सीएफसीएस एट 1986 लेवल। 1986 में जो सीएफसीएस का लेवल था, उस लेवल के ऊपर पूरे वर्ल्ड में सीएफसीएस का प्रोडक्शन हो, उतने लेवल पे आ जाए, इसीलिए वर्ल्ड के सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन किया है। हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इट इज अ नाउ मैंडेटरी टू मेक सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी डेवलप्ड सम ओजोन फ्रेंडली सब्सटिट्यूट्स। आजकल आप जो रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं, आप देखोगे उसके ऊपर लिखा रहता है सीएफसी फ्री, और साइंटिस्ट ने सीएफसी के जगह वो दूसरा सब्सटिट्यूट जो ज्यादा इको फ्रेंडली है, जो ओजोन लेयर के ऊपर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे, इसके लिए साइंटिस्ट ने सब्सटिट्यूट ले लिया है। अब हम नेक्स्ट इसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा इसमें रीजन आ सकते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न वाई। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार हम इसको फिर देख लेते हैं। एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड है, वॉट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट डू सीएफसीएस ब्रिंग अबाउट इन द एटमोसफेयर। इसका आंसर एक बार अभी मैंने आपको, ऑलरेडी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्यों कॉज ऑफ कंसर्न है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यूवी रेज को ये एब्सॉर्ब करता है। इनकेस ओजोन लेयर थिन हो जाती है तो सन की यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ एटमॉस्फेयर पे आ जाएगी, जो स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, आई डिस्ट्रक्शन और इम्यून सिस्टम को वीक करने में हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट डू सीएफसी ब्रिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर, ये भी क्वेश्चन मैंने पहले में इस पे कवर कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यू हैव बीन सिलेक्टेड टू टेक एन ओजोन लेयर एंड इट्स प्रोटेक्शन इन द स्कूल असेंबली ऑन एनवायरनमेंट डे। आपके स्कूल में जो अलग अलग एनवायरनमेंट डे जब हमारा होता है, तो आपका मान लो सिलेक्शन हुआ है और आपको एक लेक्चर देना है, आपको ओजोन लेयर एंड इट्स प्रोटेक्शन के बारे में और सारे स्टूडेंट्स को अवेयर कराना, तो आपको जो दिया जाएगा, आपको जो पॉइंट्स कवर करने हैं, आपको उसमें कवर करने हैं। ए है, व्हाई शुड ओजोन लेयर बी प्रोटेक्टेड टू सेव द एनवायरनमेंट। बी पार्ट आपको कवर करना है, लिस्ट एनी टू वेज दैट यू वुड स्ट्रेस इन योर टॉक टू ब्रिंग इन द अवेयरनेस अमंगस्ट योर फेलो फ्रेंड्स दैट वुड ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन लेयर एज वेल एज इन द एनवायरनमेंट। तो ये मैंने जो आपको क्वेश्चन है, जितने भी है, मैंने आपको पूरे कवर कर लिए। ओजोन ले, ओजोन जो है O3, मैंने आपको जैसे बताया, आप स्लाइड में भी देख पा रहे हैं, फॉर्मूला इसका O3 है, एनोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन है। ओजोन जो है दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ऑक्सीजन एटम है अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके O3 बनाता है। अपर एटमोसफियर में पूरा का पूरा ओजोन ब्लैंकेट बन जाता है। ओजोन ब्लैंकेट जो है सन की अल्ट्रावायलेट रेस को एब्सॉर्ब कर लेता है और वो अर्थ में हमारे पास सरफेस के ऊपर नहीं आने देता, मतलब ये पूरी की पूरी अर्थ सरफेस को शील्ड करता है। इन केस मैंने आपको बताया सीएफसीएस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यदि ये हम इसी तरह इसको यूज करते रहे तो ये जो है ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ये ओजोन से रिएक्ट करता है और ओजोन लेयर में होल और ओजोन लेयर को थिन बनाने में, जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ओजोन लेयर इनकेस इसी तरह थिन होती गई तो सन की यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ में आएंगी, स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, वीकन इम्यून सिस्टम एंड आई के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स कॉज हो रहे हैं, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल। आपने देखा इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने बहुत, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट ने मिलकर एक साइन किए ट्रीटी। आपने देखा है कि
डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के पूरे वर्ल्ड ने साइन की है, जिसके अंदर इसका कम से कम CFCs का कम से कम यूज हो और इसे 1986 के लेवल तक लाने की कोशिश है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर आजकल जो मिल रहे हैं वो दूसरे सब्स्टिट्यूट से इसको हमने चेंज कर दिया है, और जो हमारे रेफ्रिजरेटर है टोटली क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर हम यूज कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको पूरा कवर कर दिया है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसके कॉजेस और हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन ये भी एग्जाम में आ सकता है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप स्लाइड में देखिए, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये आपका पार्ट ए है। पार्ट बी इसमें आ सकता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल हैव द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन इट्स बॉडी एंड व्हाई। इसमें आपको दिया है ग्रास हॉपर, हॉक, फ्रॉग, आप देख रहे हैं प्लांट्स एंड स्नेक। आपको इसको पूरा इकोसिस्टम का पूरा जो आपका ट्रॉफिक लेवल है आपको पूरा लेवल वाइज उसको एडजस्ट करना है और आपको बताना है कौन से लेवल में, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल में बायो मैग्निफिकेशन का सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा। पहले तो हम देखते हैं बायो मैग्निफिकेशन होता क्या है। आप जैसे स्लाइड में देख पा रहे हैं, द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस स्पेशली पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल बिकॉज द एनिमल्स एट द हायर ट्रॉफिक लेवल और एट द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द फूड चेन विल हैव द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडी एंड ग्रास विच इज एट द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल विल हैव मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ बायो मैग्निफिकेशन होता क्या है, जिसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। हमको पता है हम क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। ये पेस्टिसाइड जो आप यूज कर रहे हो ये वाटर में चले जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं और वाटर बॉडी और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये प्लांट के साथ, वाटर एंड मिनरल्स के साथ प्लांट के साथ चले जाते हैं और प्लांट के पूरे सिस्टम के अंदर मिक्स हो जाते हैं। जब हर्बीवोर जो फर्स्ट हमारा कंज्यूमर है, जो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है, जब वो उसको ईट करता है, जब वो उसको खाता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये क्रॉप के जो जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस के साथ साथ ये हार्मफुल पेस्टिसाइड्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी हर्बीवोर में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इस हर्बीवोर को यानी इवन ह्यूमन भी आएगा, हम भी इसको हम जो वेजिटेबल्स और ये सब लेते हैं वो सब हमें ट्रांसफर हो जाता है। अब ये जो हर्बीवोर है इसको आप देखोगे सेकंड जो सेकंड कंज्यूमर है वो उसको लेगा तो ये पेस्टिसाइड्स उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर उसको जो कार्निवोर है, जो टॉप हमारा कंज्यूमर है, जब वो उसको ईट करेगा उसके साथ ये ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है इसके साथ साथ ये हार्मफुल सब्सटेंसेस भी प्लांट से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उससे लेकर जो हमारा टॉप टर्शरी हमारा कंज्यूमर है उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। और आपको पता है एनर्जी जो है हर लेवल में 10% हमारा एनर्जी का लॉस होता है, बट ये जो पेस्टिसाइड्स है ये हर लेवल में ट्रांसफर होते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो टॉप जो हमारा फूड चेन के अंदर हमारा जो टॉप कॉर्नर जो टॉप हमारा कंज्यूमर होगा यानी टर्शरी कंज्यूमर, जो लास्ट का जो कंज्यूमर होगा उसमें ये पेस्टिसाइड्स का एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा। तो एग्जाम में आपको आता है व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन, तो आपने इसको डिफाइन करना है और कौन से लेवल में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो जो भी टॉप वाला होगा, जो भी टर्शरी जो टॉप मोस्ट होगा उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। इसका मैं आंसर आपको पढ़ देती हूँ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। मैंने आपको जैसे बताया है हायर लेवल में सबसे ज्यादा होगा। अब जो बी पार्ट था, आउट ऑफ द फॉलोइंग which will have the maximum concentration of harmful chemicals in this body and why? पहले तो हम इसको arrange कर देते हैं।
आप सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले हमारा आएगा इसमें ग्रास, ठीक है। सबसे पहले हम देख लें ग्रास, दूसरा हम गोट, और थर्ड आएगा ह्यूमन। अब मैं आपको पहले एक जनरल बता देती हूँ, ग्रास के अंदर मिनिमम होगा क्योंकि वो डायरेक्ट सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको फर्स्ट ये रिसीव होगा, फर्स्ट जो रिसीव होगा वो आप देख रहे हो हर्बीवोर गोट, और गोट से लास्ट में ट्रांसफर हो गया ह्यूमन। तो हमारे अभी यदि हम तीन ये चेन देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो भी लास्ट का होगा, जैसे मैंने बोला ह्यूमन के अंदर सबसे ज्यादा एक्यूमिनेट होगा। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया है। अब हम सेकेंड पार्ट, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल हैव द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन इट्स बॉडी एंड व्हाई। आप देखते हैं, मैंने आपको जैसे स्लाइड में आप देख पा रहे हो, मैंने इसको अरेंज कर दिया है। फर्स्ट हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है ग्रास, उसके बाद हमारा ग्रास तो प्रोड्यूसर है जो फोटोसिंथेसिस से फूड खुद बनाता है। अब पहला हमारा कंज्यूमर है, फर्स्ट कंज्यूमर है हमारा ग्रास हॉपर, इससे पूरे हार्मफुल सब्सटेंस इसमें ट्रांसफर हो गए। इसके नेक्स्ट आएगा हमारा फ्रॉग, फिर हमारा आएगा स्नेक, और उसके बाद आएगा हॉक। जैसे मैंने बोला था लास्ट वाला जो हॉक होगा इसके अंदर सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस इसके अंदर एक्यूमुलेट, क्योंकि ये टॉप मोस्ट इस सीरीज में टॉप मोस्ट है। ये मैंने आपको सेकंड पार्ट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कवर कर दिया है। आई होप आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फर्स्ट हमको ओजोन लेयर आपने अच्छे से करनी है, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये आपको अच्छे से कवर करना है। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल फेज। इसमें से भी एक क्वेश्चन श्योर है, हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल ईच। ये ए पार्ट है, इसका बी पार्ट है लिस्ट टू चेंजेस इन हैबिट दैट पीपल मस्ट अडॉप्ट टू डिस्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर सेविंग द एनवायरमेंट। इसका नेक्स्ट पार्ट है, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इन बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डिफरेंस। फर्स्ट मैं आपको जो बताऊंगी वो बायोडिग्रेडेबल हम कवर करेंगे। आप स्लाइड में देखिए, बायोडिग्रेडेबल जो है मैं आपको सिंपल इस पे समझा देती हूँ। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, कुछ भी आप देख सकते हैं, हमारा किचन वेस्ट है या जो हमारे जो डेली यूज के अंदर हम जो चीजें फेंक देते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है मतलब जो वेस्ट हमारे एटमोसफियर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो क्या करते हैं, आपको पता है कि ये जो वेस्ट होता है बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। इस ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर ये बना होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनके ऊपर अटैक कर लेते हैं, इन्हें पूरा का पूरा सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर इसको डिकम्पोज कर लेते हैं, उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ये एटमोसफियर में रिलीज करते हैं। इस तरह से एटमोसफियर का इकोसिस्टम बैलेंस्ड बन जाता है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। वेस्ट मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज सर्टेन बैक्टीरियाज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका एग्जांपल है काउडंग, वुल, पेपर, कंपोस्ट, ये सारे हमारे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये हमारे लिए इतने हार्मफुल नहीं है, ये पूरी की पूरी तरह डिकम्पोज हो जाते हैं और इकोसिस्टम के बैलेंस पे हेल्प करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप जानते हो जैसे पॉलीथिन है, मेटल्स है, ग्लास है, या आजकल जो कंप्यूटर सीडीज वगैरह निकलती हैं, इनको जब हम फेंक देते हैं, हम इनको यूज नहीं करते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये बैक्टीरिया या किसी भी तरह से किसी भी प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो पाते। तो ये क्या होते हैं, ये एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्ट होके नेचुरली वाटर को पूरा पल्यूट करते हैं,
सॉइल को पूरा का पूरा ब्लॉक कर देते हैं, और इस तरह से आजकल आप देखते हो फ्लड आ रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं पॉलीथिन। और ये आप आगे देखोगे कि जो हमारे हर्बीवोर है वो पूरा का पूरा फूड चेन के साथ जब इसको खाते हैं तो पॉलीथिन और ये भी खा लेते हैं, तो ये फूड चेन के साथ इनके पास पहुंच जाते हैं और ये इनके पूरे सिस्टम के लिए हार्मफुल है। तो हम अब देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होंगे। वेस्ट मटीरियल्स विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बिल्कुल हार्मलेस है, इनका काम ही है डिकम्पोज करना, ये किसी भी तरह से इनको डिकम्पोज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल है प्लास्टिक्स, पॉलिथिन बैग्स, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, मेटल आर्टिकल्स, ये सब कुछ सब हमारे लिए बहुत पॉइजनस है और हमें इनका कम से कम यूज करना चाहिए। अब जो मैंने बी पार्ट देखा है अब हम उसको कवर कर लेते हैं। लिस्ट टू चेंजेस इन हैबिट दैट पीपल मस्ट अडॉप्ट टू डिस्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट। हम देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज करने की हम कैसी टेक्निक यूज करें कि हम इसका प्रॉपर इसको डिस्पोज कर सके और हम एटमॉस्फेयर को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। आंसर आप देखेंगे, सम ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कन्वर्ट द लैंड इनटू बैरन लैंड एंड एंटर द फूड चेन एंड अफेक्टिंग ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। इसको मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स एंटर water and food chain and affect the fertility of soil and pollute water body. तो अब हमने जैसे देखा कि ये food chain के द्वारा एक energy एक level से trophic level से दूसरे trophic level पे transfer हो जाते हैं और complete और इस तरह से energy पूरे environment को completely pollute कर देते हैं। तो हमको लोगों ने क्या करना चाहिए? People should adopt following changes in habit. हमने किस तरह से इसे रोकना चाहिए? First, dispose household waste, chemical waste and hospital waste in a landfill. आगे मैं explain करूंगी आपको landfill क्या होती है, हमको उसका proper इसका disposal management करना चाहिए। Second है, broken plastic articles such as buckets, bowls, cups, plates should be sent to reprocessing factories. जो हम प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं इन्हें ऐसे ही फेंक दे नहीं फेंकना चाहिए, पॉलिथिन्स वगैरह इन्हें नहीं फेंकना चाहिए। इंडस्ट्रीज बनाई है जो इसको रिसाइकल करते हैं, आपको पता है 3R हमारे जो है इस तरह से हम इसको रीयूज कर सके, तो इसको रिसाइकल करके हम इसको यूज कर सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा पार्ट सी। इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल will this have no impact on the environment? अभी आपको मैंने biodegradable और non-biodegradable waste पढ़ा दिया, लेकिन अब इसमें एक question आता है कि क्या होगा यदि पूरे atmosphere में पूरे environment में हमने non-biodegradable waste को हटा ही दिया, हमारे पास सिर्फ biodegradable waste है और बस हम वो collect करते जा रहे collect करते जा रहे, तो क्या ये हमारे लिए बहुत useful होगा? Biodegradable waste हमारे लिए harmful नहीं है, बट इस डिपेंड करता है ये कितने इसकी कितनी अमाउंट में है। आप पूरी जगह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्ट कर दोगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, तब ये हमारे लिए हार्मलेस नहीं रहेगा, हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। पूरा का पूरा वेस्ट कलेक्ट कर दिया जाता है, आप देखते हो उसकी जो स्मेल है हमारे लिए बहुत इनटॉलरेबल हो जाती है, हमारा वहां पर उन सोसाइटीज में उसके आसपास एरिया में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपको पता है जो फ्लाइज है वो इन वेस्ट के ऊपर ब्रीड करती है, नेचुरली वो अपने साथ जर्म्स कैरी करती है, तो वो पूरे के पूरे जर्म्स जो है वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में हो क्रिएट एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे और डिजीज स्प्रेड कर। तो बायोलॉजिकल वेस्ट आप पढ़ रहे हो ये यूजफुल तो है बट लिमिट। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पल्यूट द एनवायरमेंट ओनली व्हेन द अमाउंट इज वेरी लार्ज, इट प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल इन द एयर एंड मेक्स द लाइफ ऑफ पीपल मिजरेबल, फ्लाइज ब्रीड ऑन इट, कैरी द जर्म्स एंड स्प्रेड डिसीजेस, जैसे टाइफॉइड है, डायरिया है, कॉलरा है, टीबी है, ये सारे स्प्रेड हो जाएंगे। दस
The impact on the environment will depend upon the system of collecting, transporting and disposal. Biodegradable harmful नहीं है, लेकिन ये depend करता है इनकी collection method कैसी है, इनकी disposal method कैसी है, इनकी transport method कैसी है. तो इस तरह से हम इसको environment को, हम जो precautions लेके environment को save कर सकते हैं. चलिए अब एक next part की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो मैं फोर पार्ट आपको, जैसे मैंने इनिशियली बताया था, जो फोर पार्ट मैं आपको कवर करूंगी वो हम करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट. क्वेश्चन सिक्स की ओर बढ़ते हैं. डिस्क्राइब एनी फोर मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. नेम द वेस्ट्स व्हिच आर जनरेटेड इन योर हाउस डेली. या पहले क्वेश्चंस देख लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा. आप देखिए ऊपर स्लाइड में क्वेश्चन बी है हमारा. वी ऑफन ऑब्जर्व डोमेस्टिक वेस्ट डिकम्पोजिंग इन द रेजिडेंशियल कॉलोनीज. सजेस्ट वेज टू मेक पीपल रियलाइज दैट द इम्प्रॉपर डिस्पोजल इज. इसका थर्ड पार्ट सी पार्ट हम देखेंगे. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लॉथ बैग्स ओवर प्लास्टिक बैग्स ड्यूरिंग शॉपिंग. ये वाला क्वेश्चन आने के इस साल काफी चांसेस है. डी पार्ट मेंशन थ्री हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग पॉलिथिन बैग्स ऑन द एनवायरनमेंट. सजेस्ट एन इफेक्टिव ऑल्टरनेट. या तो पॉलिथिन बैग या क्लॉथ बैग, इन दोनों में से किसी ना किसी सेट में इसके आने के चांसेस श्योर. तो चलिए हम इसके आंसर्स देखते हैं. फर्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, डिस्क्राइब फोर मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. हम देख लेते हैं. द वेस्ट्स आर जनरेटेड इन आवर हाउस डेली. कहां से आते हैं हमारा, वो है किचन वेस्ट, पेपर है, बैग्स हैं, ये सारे जनरली हमारे यहां से आते हैं. द मेन कॉमन वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स आर कंपोस्ट, रिसाइकलिंग, लैंडफिल एंड इंसिनरेशन. हम देखते हैं इसको. द कॉमन वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स आर, अब आपको हमको सबको पता है कंपोस्ट है, रिसाइकलिंग है, लैंडफिल्स हैं एंड इंसिनरेशन है. हम इसको डिटेल में देख लेते हैं. डिस्पोजिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन बायोगैस प्लांट सो दैट इट कैन हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ बायोमास एंड मैन्योर कंपोस्ट. आपको पता है हम एक जगह कलेक्ट कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देते हैं, हम इसका बायोगैस प्लांट और इसमें यूज कर सकते हैं जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं. जब इसी कंपोस्ट के अंदर हम अर्थवर्म डाल देते हैं तो हम उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. सॉलिड वेस्ट शुड बी बरीड इन अर्बन एरिया एज लैंडफिल्स. जैसे मैंने बताया था प्रॉपर लैंडफिल बनाना चाहिए और उसके अंदर हमको इसको डालना चाहिए, ये नहीं कि हमने इधर उधर पूरा रास्ते में फेंक दिया है. सी पार्ट है प्लास्टिक, पेपर्स, मेटल्स शुड बी रिसाइकल्ड. नेक्स्ट देखते हैं हम. लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मस्ट बी बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसिनरेशन. जब हमारा जो आप देखते होंगे पॉलिथिन बैग्स, टायर्स, हम कलेक्ट करके बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको बर्न करते हैं, इसको इंसिनरेशन कहते हैं. ये हालांकि डिस्पोज तो हो जाता है लेकिन ये एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है. नेक्स्ट है हमारे जो थ्री आर जो मेथड है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, हमने इसको फॉलो करना चाहिए. तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन सिक्स का पार्ट ए था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी. जिसमें मैंने आपको बताया था हमने क्लॉथ बैग ज्यादा से ज्यादा क्यों यूज करना चाहिए. एडवांटेजेस ऑफ क्लॉथ बैग्स ओवर प्लास्टिक बैग्स. फर्स्ट है दे आर केपेबल ऑफ कैरिंग मोर आइटम्स. आप क्लॉथ बैग बहुत, आप देखते हो बहुत ज्यादा मटीरियल, बहुत ज्यादा वेट कैरी कर सकती है. इसका सेकेंड है दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटीरियल. यदि आप उनको डाल भी देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज कर देते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे दे डोंट पोल्यूट द एनवायरमेंट. बायोडिग्रेडेबल है तो एटमोस्फियर पे वो पॉल्यूशन क्रिएट ही नहीं करेंगे. और नेक्स्ट है दे कैन बी रीयूज, वो वापस रीयूज हो सकते. अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आपको रिलेटेड था हमारा पॉलिथिन बैग से. आपको तो पता है आजकल गवर्नमेंट ने पॉलिथिन बैग कर दिया है और हमें भी चाहिए कि हमने पॉलिथिन बैग्स का कम से कम यूज करें. इसका आंसर देख लेते हैं. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग पॉलिथिन बैग्स.
हम देखते हैं इसका क्या फर्स्ट इसका हार्मफुल इफेक्ट है, इंक्रीजेस सॉइल टेम्परेचर। आप पॉलीथिन बैग का यूज करते हो, हम इसे डाल देते हैं, ये केमिकल से बना होता है, आपको पता है पॉलीथिन पॉलीमर से बना होता है, तो जब आप इसको सॉइल में डाल देते हैं ये सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है नेचुरली। सेकेंड हम देखते हैं एडवर्सली अफेक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जब सॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे भी अफेक्ट डालेगा। थर्ड, एनिमल्स डाई आफ्टर इट्स कंजम्पशन। आपको इसका रीजन भी मालूम है, हम जब फूड चेन देखेंगे तब आप देखते हो कि जो हर्बीवोर इस पॉलीथिन्स को वगैरह खा लेते हैं, तो आप देख रहे हो आजकल ईगल वल्चर ये ऑलमोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गए, क्योंकि ये पूरा का पूरा फूड चेन ट्रांसफर होती है और जब ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इट कॉजेस क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, कॉजेस फ्लड एक्सेट्रा। आप आज बड़ी सिटीज में देखते हो थोड़ा भी रेन होती है फ्लड आ जाता है, क्योंकि पॉलीथिन बैग्स हर जगह ब्लॉक कर देते हैं हर चीज को, तो इससे क्या होता है फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है। आई होप ये आपको सब समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए हमने ऑल्टरनेटिवली हमने क्या यूज करना चाहिए, क्लॉथ बैग है, जूट बैग है, पेपर बैग्स यूज करना चाहिए। चलिए अब इसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर मैं बढ़ती हूँ। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हाउ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स मे रिजल्ट इन द डीजनरेशन ऑफ द एनवायरमेंट। हम देखते हैं पेस्टिसाइड्स के यूज से हमें क्या हार्मफुल इफेक्ट्स मिलते हैं। आप जैसे स्लाइड में देख पा रहे हो, मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। इनडिस्क्रिमिनेशन use of pesticides may result in the degradation of the environment. Example DDT. आपको पता है अभी DDT spray के लिए तो ban ही कर दिया है। DDT is an organic pesticide which is used to kill pests in crop field. When it is used in large quantity, it can be passed along the food chain from crop to man or birds or animals and harm them. DDT was sprayed in lake to regulate breeding of mosquitoes. It would affect the trophic level of food chain on lake. इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देती हूँ आपको। DDT was spread in a lake to regulate breeding of mosquitoes. How would it affect the trophic level of food chain of lake? हमने DDT अभी जैसे मैंने बोला ये एक पेस्टिसाइड होता है, जब आप इसको स्प्रे करते हो तो ये हम लेक में स्पेशली स्प्रे करते हैं और आप बाकी जगह भी करते हैं, तो ये वाटर बॉडीज को अफेक्ट करता है, ये क्रॉप प्लांट्स पूरे इसको ले लेते हैं। और ये क्या करता है, जब ये पेस्टिसाइड है और ये फूड चेन से एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में ट्रांसफर होता है, तो इससे क्या होता है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अफेक्ट करेगा और आने वाली सारी जो जनरेशन है जो सारे लेवल है इस पे अफेक्ट करके उसको खत्म करता है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अफेक्ट करेगा और आने वाली सारी जो जनरेशन है जो सारे लेवल है इस पे अफेक्ट करके उसको खत्म करता जाएगा। पेस्टिसाइड्स का आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डू यू कॉल द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट व्हिच कंप्राइजेस Both living and non-living components. हम सबको पता है ये हमारा चैप्टर का नाम ही है our environment, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ecosystem. यानी ecosystem ये basic हमारी functional unit है environment की, जो पूरे biodegradable और non-biodegradable हो, चाहे biosphere हो चाहे non-biosphere हो, सबके बीच में balance बना के रखता है। हमारा second question है What will be the impact on the ecosystem if microorganisms are removed? सी है व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, चूज द बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। आपको कुछ दिया जाएगा यहाँ पर, जैसे सीवेज है, डीडीटी है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ये वन मार्क में लिखा हूं। इसमें से आपको चूज करना है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है। मैं पहले आपको पहले आंसर बताऊंगी फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का आंसर। जैसे मैंने बोला फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरमेंट consisting of living and non-living components is called ecosystem. यानी हमारे पूरे के पूरे अर्थ के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हमको पता है ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं सॉइल है,
वाटर है, माउंटेन्स है, ये सारे जो भी है नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन लिविंग है, लिविंग एंड नॉन लिविंग इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी होती है, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में है, आप अभी जब नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट मेरे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर से एक जनरल है, मैं पढ़ा देती हूँ आपको, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मॉडर्न इंसेक्टिसाइड हैज बीन इंट्रोड्यूस विद सर्टन न्यू प्रॉपर्टीज लाइक एक्यूमुलेट इन द बॉडीज ऑफ प्रेडिटर्स, ब्रोकन डाउन बाय सॉइल बैक्टीरिया इजिली, वॉश्ड इन टू लेक्स एंड रिवर्स एंड टेकन अप by plant roots. Among all the properties, which one will help in reducing or keeping the level of environmental pollution to lowest? Modern insecticides are being developed keeping in mind the harm that they cause to environment and its components are biodegradable. Insecticides can be decomposed into harmful substances which will subsequently be dispersed in their specific pathway and cause no pollutants. हम insecticides तो दे रहे हैं crop को, लेकिन हम इस तरह से इनको use करें कि ये जब water bodies या air में जाएंगे तो ये किसी को भी pollute नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं, non-biodegradable insecticides build up in the fat tissues of the body and pass on the organism that feed on them. Hence the accumulation along the food chain resulting in the significant amount in the tissue of consumers. At the highest topic level, the property of newly developed insecticides includes that is, it can easily get decomposed into simpler components by soil bacteria. तो ये question मैंने इसका answer एक correct answer लिख दिया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। Next question है इसमें, effective segregation of waste. At the point of generation is very important. Justify your statement. यह मैं पहले ही आपको पूरा बता चुकी हूं, वही आंसर आपने लिखना है। मैं आपको जैसे स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, मैं आंसर एक बार रीड कर देती हूँ। इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इज मच इजियर टू रिसाइकल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूज टू मेक मैन्यूर आउट ऑफ कंपोस्ट, वेयर इज non-biodegradable waste could be recycled and reused for various purposes. Also, effective segregation of waste means that less waste goes to landfill, which makes it cheaper and better for people and environment. बहुत सिंपल है आंसर। आप दोनों जो हमारे जो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल इन दोनों वेस्ट को हमने सेपरेट रखना चाहिए। जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हमें कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट इसमें यूज करना चाहिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसकी करेक्ट डिस्पोजल प्रोसेस होनी चाहिए, जो हम 3R यूज करते हैं, अगेन इसको रिसाइकल और रीयूज करना चाहिए, इससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन हाउ पेस्टिसाइड्स गेट एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट। ये भी बहुत सिंपल आंसर है, पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस केमिकल्स विच आर स्प्रेड ओवर क्रॉप प्लांट्स। हम इसका स्प्रे करते हैं क्रॉप के ऊपर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस। दे मिक्स अप विद सॉइल एंड वाटर, प्लांट्स एब्जॉर्ब देम अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। When we eat them, they go into our body and animals through the food chain. When carnivores eat them, they transfer to them in this way. Pesticides easily affect the air, soil, water and whole environment get polluted. तो ये था इसके harmful effects. एक last मैं आपको एक जस्ट एक पैराग्राफ राइटिंग दे रही हूँ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेफ टाइगर कैंपियन। ये आजकल बहुत चल रहा है, आप न्यूज़पेपर और इस केस से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पार्ट वन में कंप्लीट एनवायरनमेंट कवर किया है। आई होप आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आंसर्स लिखने की टेक्निक ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, आप इसको अच्छे से
एक एक दो दो बार रीड करेंगे और इसी तरह से एग्जाम में लिखते जाएंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आप मेरे वीडियोस जल्दी मिलते जाएं और आप उसकी हेल्प से एग्जाम में बहुत इजीली 90% एंड अबाउ स्कोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो लेके आ रही हूँ, इसी का पार्ट टू हम कवर करेंगे, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल, 10% लॉ, ये सब एक्सप्लेन करूंगी। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी है जो 10% लॉ से रिलेटेड है, वो हम देखेंगे। तब तक आप ये पूरा का पूरा पार्ट वन प्रिपेयर करके रखिए और जल्दी ही आप मिलेंगे पार्ट टू, एनवायरमेंट पार्ट टू में।